सो हे व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो आज बना रहा हूँ यहाँ पर, तकरीबन 25 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अभी इस वक्त अपने हॉस्टल में हूँ, और जो फ़ोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन है, इस वक्त उसी से शूट कर रहा हूँ। मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है गाइज़, तो बहुत ही जुगाड़ से मैं अभी वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो एक लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि MSM एक्सटेंडेड V3.0 का जो है वीडियो बना दीजिए, तो मैंने फाइनली जो है रोम को डाउनलोड यहाँ पे कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने इसको इंस्टॉल भी कर लिया है, तो इसी का रिव्यू आप लोग को देने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी समझाने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे वर्जन जो है XRV 3.0, एंड यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हो, एंड्रॉयड 11 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। एंड यहाँ पे फ़ोन का स्पेसिफिकेशन देख सकते हो 464, एंड यहाँ पे कोड नेम आपका मी एटोल वर्जन है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मी एटोल वर्जन। एंड आप इस रोम को जो है सारे डिवाइसों में इंस्टॉल कर सकते हो काफ़ी अच्छे से, जो कि है रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, पोको M2 प्रो एंड रेडमी नोट 9 एस। इन चारों डिवाइसों में आप बहुत अच्छे से इसको इंस्टॉल कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चारों डिवाइसों का इंस्टॉलेशन सेम है एकदम, जैसे इसमें इंस्टॉल करूँगा वैसे वो जो बाकी के तीन डिवाइस हैं उसमें भी इसी तरीके से इंस्टॉल होगा। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हो 5 दिसंबर यहाँ पे मिल जाता है आपको, जो कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है। एंड कर्नल आपको इथीरियस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस कर्नल की मिल जाती है आपको। एंड यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप भी ठीक देखने को मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का इस यहाँ पे मैं इसमें गूगल ऐप्स जो है इंस्टॉल नहीं किया हूँ, ये विदाउट गूगल ऐप्स वाला है। यहाँ पे मैंने गीक बेंच जो है चेक कर लिया है पहले से ही, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। एंड यहाँ पे मैं अनतुतु बेंचमार्क भी चेक कर रहा था, बट यहाँ पे ये जो है एप्लीकेशन स्टक हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लेटेस्ट वर्जन का मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बता दूँ कि कुछ इस तरीके का इसका स्टेटस बार है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड अगर आप पेंसिल के आइकन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप, तो गाइज़ आप देख सकते हो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको नाइट लाइट देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, FPS इन्फो भी देखने को मिल जाता है, FPS इन्फो ओवरले, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो आपको Xiaomi पार्ट्स भी देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। तो आप जो है यहाँ से सारी चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओगे, स्क्रीनशॉट हो गया, थीम्स हो गया, एंड आप देख सकते हो ऑल ऑफ दैट। सो इसको जो है आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़ कर पाओगे। देख सकते हो मेरा वाईफाई यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड है मेरे हॉस्टल के वाईफाई से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हॉटस्पॉट एंड ब्लूटूथ, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड वाईफाई एक साथ वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं वाईफाई को बंद करूँगा तब जाके हॉटस्पॉट यहाँ पे वर्क करेगा। सो यहाँ पे एट द सेम टाइम यहाँ पे दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं, बाकी ब्लूटूथ और वाईफाई हॉटस्पॉट सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम वर्क नहीं कर रहा। ओके, एंड बाकी आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे FPS इन्फो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे FPS दिखाने लगता है कुछ इस तरीके का। एंड यहाँ पे सिस्टम थीम्स आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो आप जो है थीम्स यहाँ से आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। यहाँ लाइट है, डार्क है, एंड भी बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर पाओगे। नाइट लाइट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, चलता हूँ सेटिंग में। तो सेटिंग में आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर लूँ FPS इन्फो को, एंड यहाँ पे ब्लूटूथ को। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। थीम रूम में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम थीम है, सिस्टम थीम मैंने आपको अभी दिखाया है कुछ इस तरीके का है। सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही है। यहाँ पे एक्सेंट पिकर पे अगर आप जाओगे तो आप इस तरीके से अपने एक्सेंट कलर को चूज़ कर सकते हो, यहाँ से ओके कर दोगे देन आपका एक्सेंट कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो ग्रेडियंट कलर में आता है गाइस, तो आप जो है यहाँ पे ग्रेडियंट कलर को अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ब्लू एंड रेड यहाँ पे आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से आप अपने ग्रेडियंट कलर को जो है यहाँ पे लगा सकते हो। एंड सेटिंग डैशबोर्ड आइकॉन पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पे अगर बटन्स में जाते हैं तो बटन्स में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो यहाँ से आप इसका यूज़ कर पाओगे काफ़ी अच्छे से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो चलते हैं हम बैक, एंड यहाँ पे फिर से मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डीकोर रूम करके कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ से एक्सटेंडेड एम्बिएंट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिल जाता है,
ऑलवेज ऑन वेन चार्जिंग एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे क्लॉक सेटिंग भी देखने को मिल जाती है, तो क्लॉक को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर पाओगे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अपने हिसाब से। यहाँ पे एनिमेशंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, सो एनिमेशंस आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर जेस्चर्स में जाता हूँ एंड ऑसब जेस्चर्स में जाता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्विकली ओपन कैमरा एंड ऑल ऑफ दैट, सो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे। ओके, तो चलते हैं बैक। एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन में अगर आता हूँ तो लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर भी आके अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर पाओगे काफ़ी अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आएगी। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी है, पावर मेन्यू भी है एंड ऑल ऑफ दैट, सो आप यहाँ से इसको भी यूज़ कर पाओगे काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे स्टेटस बार पे अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल्टी आइकन है। वोल्टी आइकन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो OS 10 है, वोल्टी आइकन, यहाँ पे वन प्लस आइकन, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप इस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे। वन प्लस का वोल्टी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गाइज़, सो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है। सो थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ गाइज़ यहाँ पर। ओके, तो आप वोल्टी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ से चलता हूँ मैं बैक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक सेटिंग है, स्टेटस बार है, यहाँ पे सिस्टम के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको मैंने दिखा दिया कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंड हॉटस्पॉट तीनों अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बैटरी बैकअप भी आपको ठीक देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये 3S कर्नल है, तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर पाओगे। एंड अगर डिस्प्ले में जाते हैं तो डिस्प्ले में आप देख सकते हो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नाइट लाइट आपको मैंने अभी भी चेक कराया तो ये वॉक कर रहा है काफ़ी अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो कि स्टाइल्स एंड वॉलपेपर अगर मैं जाता हूँ, सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके का। सो यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ कस्टमाइज़ कर पाओगे इसको बहुत ही यहाँ पे अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर पाओगे। यहाँ पे क्लॉक भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे, सो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी क्लॉक को लगा सकते हो। ओके गाइज, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गीक बेंच की, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सो आप देख सकते हो जैसे कोई आपका रिसेंट ऐप है यहाँ पे, तो आप इसके यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे काफ़ी अच्छे से। सो इस तरीके से ये वर्क करता है। चलते हैं हम यहाँ गीक बेंच पे, तो आप देख सकते हो सिंगल कोर स्कोर क्या है, मल्टी कोर स्कोर क्या यहाँ पे आया हुआ है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि सारे यहाँ पे ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टी कोर का क्या है यहाँ पर इस तरीके से। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब चलता हूँ बैक, दोबारा से मैं सेटिंग में चलता हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। साउंड से अगर बात करूँ तो साउंड्स में सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही हैं। वाइब्रेशन टच भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है गाइस। ओवरऑल सारे परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है इस रोम का। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में यहाँ पे फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फिंगर लगाया एंड यहाँ से अनलॉक हो गया ये काफ़ी अच्छे से। अगर मैं फेस दिखाता हूँ इसको, सो आप देख सकते हो यहाँ पे फेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तुरंत ही अनलॉक हो जा रहा है ये। सो फेस अनलॉक भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर बात करूँ यहाँ पे शाओमी पार्ट्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन एंड यहाँ पे FPS इन्फो एंड सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर पाओगे काफ़ी अच्छे से। MI साउंड इन्हेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे इसको भी यूज़ कर पाओगे। सो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है, बहुत अच्छे से रोम वॉक कर रहा है, बहुत ही स्मूथ रोम है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है। गीकबेंच मैंने आपको दिखा दिया है, बट अनटूटू यहाँ पे वॉक नहीं कर रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी। अब बात करता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो इंस्टॉल उसी तरीके से करना है जैसे सारे आप रोम को इंस्टॉल करते हो। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ऑफ कर लेना है यहाँ पर, एंड आपको जाना है अपने TWRP रिकवरी में या फिर ऑरेंज फॉर्स रिकवरी में। तो उसको जाने के लिए आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस करने हैं एंड थोड़ी देर तक इसको होल्ड किए रहना है सेम टाइम। तो देख सकते हो अभी मैं बूट हो जाऊंगा। ओके गाइस, सो अभी हम बूट होंगे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। सो आप देख सकते हो मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में यहाँ पर बूट हो चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सो सबसे पहले आप अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लीजिए जो भी आपने फ़ोन पे लगाया था, एंड देन आपको सबसे पहले वाइप में आना है। देन यहाँ पे डेलविक कैश डेटा एंड तीनों को आपको टिक करना है। देन यहाँ पे स्वाइप टू वाइप कर देना है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पर। गाइज ये फोकस नहीं कर रहा है थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे हो चुका है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे वाइप हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको जाना है, फिर अपने अपने रोम को आपको यहाँ से फाइंड करना है जहाँ भी आपने अपने रोम को रखा हुआ है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंडेड XRV 3.0, सो इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा।
देन आपको आना है यहाँ पे वाइप में, देन फॉर्मेट डेटा, यहाँ पे आपको लिखना है यस, एंड यहाँ से आपको ओके कर देना है, फिर आपका रोम यहाँ पे बूट हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको बूट करके दिखा देता हूँ उसका सिस्टम एनिमेशन किस तरीके का है। सो कुछ ही देर में यहाँ पे सिस्टम एनिमेशन आपको देखने को, बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा, सॉरी। कुछ देख सकते हो कुछ इस तरीके इसका बूट एनिमेशन है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, वीडियो बहुत जल्दी में मैंने बनाया है आज, एंड बहुत ही दिक्कत से मैंने ये वीडियो बनाया है गाइज। सो यार प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके बाय बाय गाइज़।